संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 32 से 38। वे बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गूंगे अवधूतग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आए। ईसा ने अवधूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, इज़राइल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरक दूतों के नायकों की सहायता से अवधूतों को निकालता है। ईसा सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे।